हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रमुखी ब्लॉग। मैं हूं पलक, मेरे चैनल का नाम है चंद्रमुखी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे हूं। तो गाइज, आप स्क्रीन पर देख करके समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कितनी मस्त और लजीज होने वाली है। इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही मस्त लगता है। यहाँ पर हम लेंगे दो बैंगन और इस बैंगन से बनाएंगे बैंगन का चकता, तरबा, भजिया। बहुत सारे जगह पे इसे अलग अलग नामों से बोलते हैं। हमारे बिहार में ज़्यादातर इसे बैंगन का बचका बोलते हैं। तो इसे बनाने के लिए दो फ्रेश बैंगन लिए हैं और यहाँ पे कॉर्न स्टार्च लिए हैं और दो लहसुन का पेस्ट जो कि छिलका समेत आपको लेना है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपके जो बैंगन का तरवा बनाएंगे उसमें, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर चढ़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, दोनों आपको लेना है, जिससे कि एक से थोड़ा सा स्पाइसी होगा और कश्मीरी लाल मिर्च से अच्छा सा कलर चढ़ेगा जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा लगता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है कस्तूरी मेथी और मेथी क्रश किया हुआ आपको लेना है। बिल्कुल मेथी को थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे, इस तरह से आपको लेना है। इससे भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि क्या क्या और इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हल्दी पाउडर लेना है, नमक लेना है, मैजिक मसाला मैगी का जो आता है वो भी इसमें रखना है। आप अपना मेजरमेंट कर लीजिएगा, जितना आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग ये सब आप अपने सामग्री के अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट से इसे लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे कॉर्न स्टार्च 4 चम्मच, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। आप ध्यान रहे, यहाँ मेजरमेंट कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने जितना आपको भजिया बनाना है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम इसमें डाल दिए हैं हल्दी, नमक और जो भी हम यहाँ पे मसाला लेंगे मैजिक मसाला, इसको भी हम पूरा डाल देंगे। गाइज, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा जो कि मतलब क्या ही बोलूँ, एक बार खाएंगे ना तो इसके दीवाने हो जाएंगे। उसके बाद कस्तूरी मेथी जो है उसको भी क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। मेथी अभी हमें इसमें ऐड नहीं करना है, इसको हम बाद में मिक्स करेंगे। आपको बस लास्ट में हम बताएंगे उसको कब देना है, वीडियो के बीच में जब हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले को एक साथ में मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद जो हम लहसुन वाला पेस्ट बनाए थे ना, एकदम मस्त सा कड़क सा, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रहे, लहसुन वाला जो पेस्ट आप बनाए हैं ना उसको छिलका समेत बनाइएगा। गाइस, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें, बहुत सारा फ्लेवर छुपा हुआ होता है जो कि हम लोग छिलका को फेंक देते हैं, लेकिन उसे एक बार इसके साथ में आप इस तरीके से लहसुन का पेस्ट बनाकर देखिएगा छिलके के साथ में। तो इन सबको हम क्या करेंगे, एक साथ सारे मसाले को मिक्स करेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है मसाले में और एकदम लाल लाल सा, जो हम कश्मीरी लाल मिर्च डाले थे ना जो पाउडर, उससे इतना प्यारा सा कलर आया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ना तो पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। इससे एक चीज़ मैं गाइस आपको बताना भूल गई थी, अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है ना, यानी कि मक्के का अगर आटा आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ से क्या है कि बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा सा कोटिंग होगा जो हम बैंगन का बचका या फिर चकता बनाएंगे, तो बहुत अच्छा सा कोटिंग होगा उसमें। और इन सबको देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको इस टेक्सचर में आपको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो देखिए धीरे धीरे करके जितना जितना पानी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी
और सारे मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी के साथ में मिक्स करना है। यकीन मानिए गाइस, एक बार अगर इसे खा लिए ना इस तरीके से बना करके, बार बार खाने को दिल करेगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे, मसाले को एक साथ भीगने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम फ्रेश वाला बैंगन लिए हैं। ध्यान रहे बैंगन बिल्कुल ही फ्रेश आपको लेना है, जैसे कि जो बहुत सारे बैंगन में कीड़े वीड़े होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि अच्छा वाला फ्रेश बैंगन लेना है। इनको अच्छे से वॉश करके इस तरीके से आपको स्लाइस करना है, और इसका जो कटिंग आपको देना है ना, बिल्कुल ही एक बराबर से आप इसको कट करिएगा। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अगर मोटा कर देंगे तो खाने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वो सेकेगा नहीं। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो फिर वो टूटने लगेगा, इसलिए आपको इस शेप में कट करना है जिस शेप में अभी आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सारे बैंगन को अच्छे से कट कर लेना है। तो गाइस, हमने यहाँ पे सारे बैंगन को कट कर लिया है, ये कुछ देख सकते हैं, इतना सारा पीसेज है इनके। यहाँ पे जो हमने मसाला बनाया था, उन मसालों से एक एक करके सारे पीस पे मसाले का अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इससे क्या है कि हम आपको बताएंगे आगे इसके बाद क्या करना है। स्क्रीन पे जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि वन साइड से ही अभी मैं स्पून की मदद से कर रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है। उसके बाद दूसरे साइड से भी आपको फिर बाद में इस तरीके से करना है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, इतने अच्छे से एक मसाला जो है चिपक रहा है, इसका कारण यही है कि जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था ना, इसके वजह से ये इतने अच्छे से मसाला जो है इसके ऊपर चिपक गया है। इसीलिए हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा, राइस फ्लोर, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ने के बाद जो बैंगन का जो पानी थोड़ा बहुत उसमें से निकलेगा ना, उसको क्या करना है, आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे फ्राई पैन लेना है, उस पर ऑयल डालना है। उसके बाद जो आपने मेथी क्रश किया हुआ लिया था ना, जो हरा वाला मेथी, सॉरी मेथी दाना जो था क्रश किया हुआ, वो आपको तेल के ऊपर डाल देना है। उसके बाद एक एक स्लाइस आपको इस तरीके से रखना है। उसके बाद कुछ देर के लिए आपको ढक देना है, और एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप इसको उलटते पुलटते इस तरीके से सेक लेंगे, आगे पीछे जो भी दोनों साइड से इसको उलट पुलट के अच्छे से सेक लेंगे। धीरे धीरे गाइस देखिएगा, इतना मस्त ये सेक जाएगा और इतना अच्छा वाला इसमें कुरकुरापन आएगा कि आप खाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे इसके। तो इस तरीके से आपको ढक ढक के आपको सेक लेना है। आप जैसे कंफर्टेबल हैं, कढ़ाई में भी इसको कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर जो हम मेथी दरदरा सा कूटे थे उसको फिर से डालेंगे, फिर सारे एक जो बैंगन के स्लाइसेस हैं एक एक करके वो फिर से हम डालेंगे यहाँ। ऐसे ही करके सारे को बारी बारी से हम सारे बैंगन को सेक लेंगे। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कितना मस्त अच्छे से ये तैयार हो रहा है। अच्छा लगे ना गाइड, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा, और कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हैं एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट में ये चीज़ लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमें हमारे वीडियो पे कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं और किस तरीके से हमारे वीडियो को प्यार देते हैं, ये ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना यम्मी सा एक तरफ से मैं निकाली हूँ, जो कि देखने में बहुत ही क्या बताऊँ गाइस, एकदम मस्त लग रहा है ना, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सब हम निकाल देंगे। तो इस चीज़ को आप कैसे भी खा सकते हैं, चावल, रोटी, या फिर ऐसे भी आप स्नैक्स में भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आज घर पे आपके बैंगन पड़ा है ना गाइज, तो चलिए फटाफट से बना डालिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।